पाकिस्तान के मोहताज नहीं है आज के डेट में। वायरल बूढ़ा के नाम से बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा है, इनका नाम है झिंगुर दादा। चलिए इनसे कुछ बात करते हैं, इनका नाम है झुल्लुर दादा। चलिए इनसे कुछ बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कैसे कैसे इनका गाना इतना वायरल चल रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है। लगभग हमें लग रहा है कि सोशल मीडिया पर लगभग 12 लाख से ज्यादा इनका रील बनाया गया है। चलिए इनसे कुछ बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज चैनल जनता की आवाज़ बिहार है। जनता की आवाज़ बिहार। आप कहाँ? बिहार से? बिहार से आए हुए। कौन से जिले से? द्वितीया चंपारण। द्वितीया देश। वाह बेटा वाह, हम भी को क्या बात है, दादा से मिलने चले आए। एकदम आपसे मिलने के लिए हम बहुत बेचैन थे, मगर एकदम मुलाकात आज हो गया इनसे। कहीं ना कहीं आपका ये जो नौजवानपन का वो प्यार है ना, कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो तरंगे आपकी प्रवाहित होती है ना बेटा, यही मेरे को जवान बना के रखती है। जो आप इतने दूर दूर से, मैंने आपकी उम्र का था ना तो मेरे को मालूम भी नहीं था आप इतना दूर से संघर्ष कर रहे हैं ना, तो मैं गिल्ली डंडा खेला करता था। अच्छा, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम था ऐसा, लेकिन फिर भी बेटा बहुत मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा, आपका गाना वायरल हुआ तो हुआ कैसे, ये बताइए। तो गाना तो आप लोगों ने ही वायरल किया है ना, मैंने तो गा दिया था। मैं ये सोच के थोड़ी गया था कि मैं इतना प्यार मिल जाएगा, लेकिन आप लोगों को प्यार मिल रहा है, मेरा का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा है। अच्छा, आपके गाना के वजह से सोशल मीडिया पर 12 लाख से ज्यादा रील बनाया गया है। 12 लाख से भी ज्यादा। तो पैसा तो नहीं मुझे मिला। आपको पैसा थोड़ी मिलेगा, जो बनाया उसको मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा इस बूढ़े दादा को भी थोड़ा थोड़ा आप लोग दे दीजिएगा, क्योंकि इसका भी पेट भर जाएगा। अच्छा, बुढ़ारी समय में पैसा लेकर क्या कीजिएगा आप? नहीं, ऐसा है, मैं कुछ मेरे अंदर अरमान है कि मैं उस पैसे से कुछ सामाजिक कार्य करूं। अच्छा। हाँ, जैसे मैं जिंदगी भर स्ट्रगल किया, मैंने बहुत संघर्ष झेला और हर दुख मुसीबतों को झेला हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि वैसे ही कोई संघर्षी व्यक्ति या आपके जैसा नौजवान साथी मिले और वो बेचारा भटक रहा हो तो उसकी मैं मदद करना चाहता हूँ। अच्छा, ये सब भाभी आई हुई है क्या आपसे मिलने के लिए आई है? ये हाँ? ये सब हमारे ही अंग है। अच्छा, आप ही का? हाँ, ये सब कहीं ना कहीं हमारे जीवन के एक हिस्सा है। अच्छा। जो हमें आज जो ये मेरी कामयाबियाँ आप लोग देख रहे हैं, इन्हीं लोगों का ही सपोर्ट है। इन्हीं लोगों का कामयाबी के सीढ़ी है, ये लोग हमारे कामयाबी के एक एक दाने हैं। अच्छा, सवाल और बाद में रहेगा, सबसे पहले कहेंगे वो गाना गुनगुना दीजिए, जिस गाने के लिए लोग एकदम उतारी जगह, आप गाना कब गाइएगा तो सबसे पहले गाना गुनगुना दीजिए। तो मैं पहले बार का मिलना जुलना खड़ा कर खड़ा कि बाहों में भर के हम तुमको मदहोश बनाने वाले हैं, कलियाना बिछाना राहों में हम दिल को बिछाने वाले हैं। लेकिन जो मतलब सोशल मीडिया पे जो क्लिक हुआ था, कुछ ऐसा ही शब्द था, ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है, कुछ कुछ होता है सांसों में पर ना जाने क्यों होता है। हो कहीं ना कहीं ये चीज ज्यादा दर्शकों को पसंद आया था, है ना, दिल में छू गया था, दिल में छू गया था। हो हम अपने प्यार की ये बारिश इन पे बरसाने वाले हैं, कलियाना बिछाना राहों में हम दिल को बिछाने वाले हैं। अच्छा, आपका गाना बहुत अच्छा हमको भी लगा, जहाँ तक कहीं के लोग को भी बहुत अच्छा लग रहा है। आपका गाना इतना वायरल हुआ, क्या कहीं से बड़े बड़े स्टार का कोई ऑफर आया है कि नहीं काम करने के लिए अभी तक? नहीं, अभी तो नहीं आया है, अभी तक नहीं आया, अभी समय भी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन इन लोगों का ऑफर जरूर आया है। आप देखना चाहते हैं ये बैठिए, क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या हुआ? सुनीता ऑफिशियल चैनल का। सुनीता ऑफिशियल क्या करती है उस चैनल पे? वीडियो बनाती हूं, शॉर्ट वीडियो, ब्लॉग वीडियो। अच्छा, हां, तो कुछ वीडियो अच्छा है दादाजी? मैंने वीडियो तो अच्छा बनाती हूं, मतलब जैसे ज्यादा लोग अश्लील बना रहे हैं ना, ऐसा नहीं बनाता। कहीं एक गाना और गुनगुना दीजिए, कभी अराजकता मत फैलाइए। नहीं नहीं, हमारा वीडियो आप लोग देख लीजिए, एक बार सर्च मार के देख लीजिए। कहीं एक गाना और गुनगुना दीजिए। गुनगुना दे जी, तो कोई है नहीं, इन्हीं की फीलिंग ले लेते हैं एकदम, काहे नहीं।
बुरा मत मानिए, ठीक है ठीक है। आप लोगों का प्यार है ना कि आप लोगों की ही वजह से मैं कुछ गा बजा सकता हूँ। सुनाने का क्या नाम है? मैं कुछ सुनाने का प्रयास करूँगा गाँव पे। मैं जब पहले बाहर रहा करता था, ये गांव का माहौल देख रहे हैं, बड़ा सुंदर माहौल है। यहाँ पे मड़ई है, ठीक, एक तरह से इसको कह सकते हैं राम मड़ई। हाँ, राम मड़ई, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का मंदिर पीछे स्थान भी है, जो ये जो निर्माण किया गया है। सारे जितने भी ग्राम सभा के लोग हैं सबके माध्यम से, और हमारे दिवाकर शर्मा जी हैं वो उनके माध्यम से, कहीं ना कहीं इसमें उनका खून पसीना लगा हुआ है। तो आज इसी छप्पर तरह राम मड़ई में बैठे हुए हैं। तो एक गीत सुनाना चाहूँगा, जब मैं बाहर रहा करता था तो मुझे गांव की ऐसे माहौल की याद आती थी। हाँ, तो मैं सुना